IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विजय एकादशी से अमावस्या तक प्रतिवर्ष निकलने वाली नर्मदा पंचकोशी यात्रा में गत वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते करीबन 7 से 8 हजार श्रद्धालु शामिल हुए थे। ऐसे में इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मामले नाम मात्र के रह जाने से नेमावर से निकलने वाली नर्मदा पंचकोशी यात्रा में करीबन 15 से 18 हजार श्रद्धालु के शामिल होने का अनुमान बताया जा रहा है। आज अलसुबह 4 बजे श्रद्धालुओं द्वारा नेमावर नर्मदा तट पर स्नान कर पुण्य सलीला माँ नर्मदा का पूजन एवं ध्वजा पूजन के साथ नर्मदा पंचकोशी यात्रा शुरू हुई। यात्रा में करीबन 15 से 18 हजार नर्मदा पंचकोशी यात्री शामिल हुए। पैदल यात्रियों के बड़ी संख्या में जत्थे नर्मदा के भजनों के साथ सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई पड़े। बड़ी हंडिया से शुरू होने वाली नर्मदा पंचकोशी यात्रा में इस बार करीबन 700 से 800 श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह चाय जल आदि पिलाकर नर्मदा पंचकोशी यात्रियों का स्वागत किया गया। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। रामदीन सेवलिया ग्राम दावठा तहसील खातेगांव जिला देवास, ये नेमावर पंचकोशी यात्रा का प्रभार मुझे दिया गया है। ये रविंद्र भारती कृत पंचकोशी यात्रा नेमावर नाभि स्थान से विगत ये 36वां वर्ष इस यात्रा को हो गया है और ये यात्रा चिन्मय धाम ब्रह्मचारी महाराज के आश्रम से ध्वज पूजन होकर ये यात्रा पहले पड़ाव में बिजलगांव पहुंचती है, दूसरे पड़ाव में हंडिया, तीसरे में ऊंचान, चौथे में संदलपुर, पांचवे में नेमावर आकर ध्वज पूजन कर इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा के सूत्रधार हमारे रविंद्र भारती, जो आज हमारे बीच में नहीं है, सुरेश जी चौबे इस यात्रा के मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के सान्निध्य में हम लोग चल रहे हैं। इस यात्रा में मुझे चलते हुए 30-35 वर्ष हो गए हैं। इस यात्रा का मैं प्रभारी हूँ, ग्राम मेरा दावठा है, नर्मदे हर। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।